हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर चांद मल्टीमीडिया सब्सक्राइब करें। जो इस तरह दिया है, मैं कुछ शेर पढ़ना चाह रहा था मगर भूल गया, एक बार याद दिला दीजिए आप लोग। इतना आप लोग ने इनाम दे दिया कि अदब से करीने आ रहे हैं, करीने से नगीने आ रहे हैं, छूट देखकर शायरों को हम जैसे अनाउंसर को पसीने आ रहे हैं। इतना दिया कहां से जवाब, आपने कहां से पैसा आया? मोदी जी ने तो बंद कर दिया था। तो शरीफ कमेटी का हर फर्द बोला, जमाल अख्तर तुमको मजाक सूझ रहा है साहब, अगर किसी और से हमारा नाता होता तो गड़बड़ हो जाता, लेकिन शेर का पढ़ना कोई खेल नहीं होता, बदअकीदों से कोई मेल नहीं होता, जिसको निस्बत है गरीब नवाज से उसका एटीएम कभी फेल नहीं होता, जिसको निस्बत है मेरे गरीब नवाज से उसका एटीएम कभी फेल नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब, अगर ये लोग ऐसे ही आते रहेंगे तो हम कयामत तक शेर पढ़ने को तैयार हैं। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए नहीं कि आप लोग ने जलसा सजाया, इसलिए कि आप लोग जलसा सुनकर, जलसा सजाकर, उलमा को बुलाकर जो जलसा सुनने का रिवाज और मिजाज बनाया है, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। मिलाद शरीफ की बरकतों का इक्तसाब फैज हासिल और नाजिल फरमाए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, रात के 11:15 बज गए हैं। नाजिम को कितनी देर माइक पे खड़ा रहकर आपकी समातों को ताजा बनाना है ये मुझे मालूम है। मेरे बड़े भाई हजरत शान अली शान ने एक अच्छा शेर पढ़ा, बस चार मिसरा मुझसे सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपनी जगह ले सकता हूँ। लेकिन आप लोग एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोल देंगे तो आपका क्या बिगड़ेगा, कुछ बिगड़ेगा का? इधर वाले मेरे मजमा बड़ा खामोश है, अगर ये लोग एक बार बोल देंगे तो मैं समझता हूँ पूरे हुकूमत के लिए मैं ऐलान करने वाला हूँ। साहब आपको मालूम नहीं है, वो गाजी थे, गोरे थे या काले थे, हाथों में इस्लाम का झंडा, पाँव में उनके छाले थे, हश्र में बर्मा के ये मौज मुसलमान, हश्र में रोकर बोलेगा 56 मुल्क से बेहतर तो करबल के 72 वाले थे। अगर वाकई आप उनके अंदर जाबाजी का सबका लेना चाहते हैं तो एक बार इमाम हुसैन के जाबाजों 22,000 का लश्कर मत दिखलाओ, इमाम हुसैन के 72 जाबाजों का सदका लेना है तो हाथ उठाकर एक मरतबा या हुसैन कह दो, जरा पूरा मजमा या हुसैन। थोड़ा सा स्टेज मैंने सुना है कि 20 रमजान के बाद एतकाफ में लोग जाते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मेरा स्टेज अभी भी एतकाफ में चला गया है। हजरत लोग गुनाह के डर से गिजा छोड़ देते हैं मगर खुदा के खौफ से गुनाह नहीं छोड़ते। आपको मालूम नहीं है कि खुदा कितना बड़ा है। अपने रब को कभी मत बताओ कि मेरी मुश्किल बड़ी है, अपने मुश्किल को बताओ कि मेरा रब कितना बड़ा है। इसलिए अदब के साथ बैठिए, कोई नहीं जानता किस लम्हे की शिरकत आपके लिए जरिए निजात बन जाए। मेरे पास शेर बहुत है मगर इन बड़े बड़े शोरा को आप तक पहुंचाना है। अगर मैं ही ज्यादा बोलूंगा तो आपका जलसा कहां पूछेगा ये मुझे मालूम है। सिर्फ चार मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, शान सुनो। गर्मी की हवा मिल रही है, मदीने की हवा पहुंचा रहा हूँ, सुभान अल्लाह। वो वैसे भी शोरा को बात जो पान खाते हैं खाना चाहिए, लेकिन फुरकान बिस्मिल साहब चले गए, जिगर मुरादाबादी साहब चले गए, पान खा के हुनर पुलामी साहब चले गए, लगता है अब आपकी बारी है। आदमी को पान खाना चाहिए, पान खा के मुस्कुराना चाहिए, सुनते हैं कि इससे कैंसर होता है, इसलिए चार को रोज खाना चाहिए। मैं सिर्फ चार मिसरे पढ़ता हूँ, समझ में आएगा तो सुभान अल्लाह बोलिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आओ जोर से बोलिएगा, हमको पता चलना चाहिए कि आपको एकदम समझ में नहीं आ रहा है। सुनिए, इधर वाले बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कौन कहता है साहब बोल नहीं रहे हैं? कभी कभी बोलने वाला आदमी महव हो जाता है सरकार के इश्क में, ऐसा ही लग रहा है नबी का इश्क, नबी का चाहने वाला। साहब नात पढ़ी जा रही थी, कोई कैसे लेबल लगाएगा कि आप नहीं बोल रहे थे? सरकार प्यारे नबी के मिथक पर हर दौर में नारा लगता है। दिल्ली में अगर कोई नात पढ़े, लाहौर में नारा लगता है। कोई नात पढ़े, लाहौर में नारा लगता है। और मैं तो कहता हूँ आप पर कोई ये नहीं कह सकता कि नात नहीं सुनते। अरे वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए, मुस्तफा के चाहने वालों को जन्नत चाहिए, मुस्तफा के चाहने वालों को जन्नत चाहिए। अब शान ने जो चार मिसरे पढ़े थे, मुझे वो चार मिसरे पढ़ने हैं इमाम हुसैन के नाम का। अगर वाकई आपको पसंद आ जाए तो सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। सुनिए दोस्तों, इश्को वफा खुलूस की तस्वीर है हुसैन।
कोई जुर्रत नहीं मेरे को मैं आपको टच करूं, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा मैं बहुत बड़ा नाजिम नहीं हूं कि आपके सहारे की जरूरत ना पड़े, सिर्फ आप मुस्कुरा दें मैं इंशाल्लाह शताब्दी एक्सप्रेस बन जाऊंगा। हाँ आप सिर्फ मुस्कुरा दें, कंजूस लोगों से हमारा कोई नाता नहीं है। अभी हम बरेली शरीफ जा रहे थे, एक आदमी सेठ साहब मेरे बगल में, बोला मेरे साथ चलिए ना खिलाते पिलाते ले जाएंगे। हम वो टेंशन फ्री हो गए कि चलो बरेली का खर्चा निकल गया। कसम से बरेली तक कुछ नहीं खिलाया, जब स्टेशन पे उतरे तो 10 रुपया का बादाम लिया फोड़ा और एक बादाम मेरे तरफ बढ़ा के बोला मेरे साथ रहिएगा तो ऐसे ही खाते पीते रहिएगा। मुझे कंजूस लोगों से कोई वास्ता नहीं है, वो तो आप लोग सखावत का दर्जा बहा रहे हैं। मैं चार मिसरा पढ़ता हूँ सुनो, इमाम हुसैन के खून का एक कतरे का भी अगर वाकई कुर्बानी आपके लिए राइज हो गई होगी तो मुझे यकीन है पूरा मजमा भूलेगा कि इसको वफा खलूस की तस्वीर है हुसैन। सबरो रजा बेकार की तौकीर है हुसैन। बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, कारी सबीर साहब, कारी राहत हुसैन साहब, इसको वफा खलूस की तस्वीर है हुसैन। सबरो रजा बेकार की तौकीर है हुसैन। बोले उमर के हो गया मैं मुस्तनद गुलाम, हाथों में मेरी आपकी तहरीर है हुसैन। बोले उमर के हो गया मैं मुस्तनद गुलाम, हाथों में मेरे आपकी तहरीर है हुसैन। बोले उमर के हो गया मैं मुस्तनद गुलाम, हाथों में मेरे आपकी तहरीर है हुसैन। हजरात आइए, इस वक्त मैं चाहता हूँ कि आपका जलसा बिल्कुल कामयाबी की ओर बढ़ रहा है, एक शायर को सुन लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह धमाका खेज खतीब खतीब सदाबहार खतीबुल मुल्क हजरतुल्लामा अलहाज आसिफ इकबाल साहब को सुनने के बाद आपकी तबीयत यहाँ नहीं कहीं और होगी। मैं चाहता हूँ चलते हैं कलकत्ता, जादूगरों का शहर, जलसे जुलूस का शहर, इनकलाबी शहर, आशिकों का शहर, नबी की नात की तारीफ और तौसीफ करने वाला शहर। हजरते जनाबे शहबाज रजा कलकत्तवी से मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ। देखने में भी खूबसूरत हैं, पढ़ने में भी खूबसूरत हैं, नबी की नात पढ़ते हैं, इतनी प्यारी आवाज है, इतनी प्यारी आवाज कि जब वो पढ़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बादल को किसी ने निचोड़ दिया है और वहां से पानी नहीं शहद की बरसात हो रही है। आइए शायर इस्लाम हजरत शहबाज रजा कलकत्तवी से मुलाकात कर ले, हाथ उठाकर इनका इस्तकबाल कर ले। पहले उठाइए तब लगाएंगे नारा। आप लोग अगर 1% समझदार हैं तो मैं समझता हूं उससे कहीं ज्यादा नबी के वफादार हैं। नारे तकबीर अल्लाह अल्लाह अल्लाह, थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दें जलसा और हिट हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, कलम कलम संभल के चलाना जरूरी है, मोहब्बत का फूल खिलाना जरूरी है, हमारा माशरा है गानों की जद में, नबी की नात सुनाना बहुत जरूरी है।